प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 श्रोताओं नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 हो सकता है ये मात्र एक पता हो, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कुछ ना कुछ रास्ता हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाती हैं। और चूंकि ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर आधारित कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात में जिन बिंदुओं या विषयों पर चर्चा करते हैं, ये कार्यक्रम उनका विस्तार भी है। और एक मुद्दा जो पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक जो पास हुआ, अधिनियम के रूप में बना, कानून के रूप में अब हमारे इस देश में पूरे लागू हुआ है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। दरअसल उसको लेकर हर किसी की तरह उनके मन में भी अपनी चिंताएं थी, और इसीलिए ये कानून नए प्रावधानों के साथ और ज़्यादा सख्त रूप में देश के सामने रखा गया है, ताकि एक ऐसा विषय जो मन को बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि समाज में हमारी महिलाएं, छोटी उम्र की बच्चियां, लड़कियां, उनके साथ जब कुकृत्य होता है तो हम अंदर तक हिल जाते हैं, हम सब हिलते हैं, और हमें लगता है कि अपराधी जो भी है उसको तुरंत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आज चूंकि ये विधेयक जो है वो कानून बन चुका है, तो हमें ये लगा कि इसको और थोड़े विस्तार से बातचीत की जाए, और इसके बारे में जो अलग अलग प्रावधान हैं, जो मुख्य प्रावधान हैं, उनको आपके साथ ज़रूर साझा किया जाए, ताकि समाज में इसको लेकर एक जागरूकता भी हो, हम सब जानें और समझें कि ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या कानूनी अधिकार हैं। और आज इस कार्यक्रम में इस विषय पर बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, श्री संजय के चड्ढा हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हमारे श्रोताओं के लिए तो आप नए नहीं हैं, क्योंकि हमारे चाहे कानून से जुड़े कार्यक्रम हो या और तमाम कार्यक्रम जो इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते हैं कानून के, उसमें आपको हम हमेशा सुनते रहते हैं, रेडियो पर भी, तमाम चैनलों पर भी, तो इसलिए आपका चेहरा और आपकी आवाज़ लोगों के लिए बहुत एक सुपरिचित आवाज़ है, अपनी सी लगेगी उन्हें सुनकर। मुझे ये बताएं, जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की, और चर्चा प्रधानमंत्री जी ने तो की मन की बात में, लेकिन कोशिश सरकार काफी दिनों से कर रही थी इस तरह के सख्त कानून को लाने की, इसका उद्देश्य या इसकी आवश्यकता क्या थी? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कई सालों में, ख़ास तौर से निर्भया कांड के बाद, जब जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनाई थी 2013 में, उस वक्त क्योंकि हमारा कानून था, वहाँ पे सजा के प्रावधान हैं, जो इस तरह के गलत काम होते हैं उसमें सजा का प्रावधान है, ये एक कि कितना हीनियस क्राइम हो रहा है, इसको देखते हुए उस सजा को और सख्त से सख्त बनाने की आवश्यकता पर पूरे भारत के हर कोने कोने से आवाज आ रही थी और मांग उठ रही थी कि बहुत सख्त से सख्त कानून हो, जिससे कि ऐसा करने का व्यक्ति मन में सोच भी ना पाए। ये तो है बात 2013 से लेके, और उसके बाद भी कई बार 2013 में कानून बने, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले एक साल में कुछ एक ऐसे इंसिडेंसेस हुए, जिसमें कि मैं दो तीन आपके सामने बताना भी चाहूंगा। कठुआ में एक रेप हुआ था, एक छोटी बच्ची के साथ। उन्नाव में एक रेप हुआ था, वो भी एक बहुत ही छोटी, मेरे ख्याल 8 वर्ष की बच्ची थी, तो उस वक्त भी लोगों में बहुत आक्रोश हुआ, लोगों में बहुत गुस्सा आया कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची, जिसे कुछ मालूम ही नहीं है, जिस जो कुछ इस तरह के बातों पे अपना मतलब कोई जानकारी भी नहीं है, और उसको आप ऐसा कृत कर देते हैं लोग, तो इस पर एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी। उस आवाज़ को भारत सरकार ने बहुत अहमियत देते हुए जी अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक कानून में बदलाव लाया, 4 कानूनों में बदलाव आया, जो तो कानून तो जो पहले थे उन्हीं कानूनों में बदलाव किया। देखिए, एक बात हमको देखनी पड़ेगी कि लॉ स्थिर नहीं होता है, लॉ इज वेरी डायनामिक, जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम अपनी अच्छाई के लिए, सोसाइटी के बेहतरी के लिए, हम कानून को बदलते हैं और उसको आज के परिपेक्ष में लेके आते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से जो सोसाइटी है उसको सर्व कर सके। लॉ भी सर्व कर रहा है, निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता तो इसी रूप में साबित हो सकती है कि वो समय के अनुकूल हो, परिस्थिति के और अवसर के अनुकूल हो। एक छोटा सा अंश वो सुन लेते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अपने जिक्र किया था और अपने उद्गार रखे थे, उसके बाद आपसे इसके बारे में विस्तार से थोड़ी बातचीत करनी है कि क्या बदलाव किए गए, किन किन चीजों में बदलाव किए गए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश हम सुनते हैं जिसमें इस विधेयक को अधिनियम के रूप में पारित होने और कानून बनने के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी, वहीं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने के लिए फांसी की सजा होगी। कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अदालत ने सिर्फ 2 महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग से रेप के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक अदालत ने सिर्फ 5 दिन की सुनवाई के बाद 2 दोषियों को फांसी की सजा दी। राजस्थान ने भी, वहां की अदालतों ने भी ऐसे ही त्वरित निर्णय किए हैं। यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो ये संजय जी, आपने सुना है कि इसमें जो 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए जो सजा में बदलाव और भी कई चीजें हैं इसमें, दरअसल कुछ और भी अदालतों की कार्रवाइयों को लेकर भी उन्होंने कुछ बहुत सकारात्मक जानकारियां भी दी हैं, लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो बदलाव की आप बात कर रहे थे इस कानून में, वो किस तरह के बदलाव किए गए, किन किन चीजों में बदलाव किए गए? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो IPC इंडियन पीनल कोड की धाराओं में परिवर्तन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है, एडिशंस किए गए हैं, CRPC में किया गया है, उसी के अनुसार एविडेंस एक्ट में और पॉस्को एक्ट में भी थोड़ा सा चेंज किया गया। अच्छा। है। इसमें ये है कि जहां पे जो ये घनौना अपराध है वो 12 साल से कम की बच्ची के साथ किया जाता है, तो उस परिस्थिति में पहले जो कानून था वो 7 से 10 साल की सजा जो एक ब्रॉड चला आ रहा है उसी के तहत दी जाती थी, अब इसके तहत बहुत सख्त से सख्त लेते हुए 20 साल की सजा, मिनिमम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, अगर ये गैंग रेप है तो उसमें लाइफ सेंटेंस तक जा सकते हैं, और इवन अगर ये कोई ब्रूटल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जहां पे कि ऐसा जो सोचा भी नहीं जा सकता इतना गलत काम किया है, तो डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है। पहले तो ये होगी 12 साल से कम बच्चों का, बच्चों का मतलब बालिकाएं। हाँ। इसके बाद दूसरा जो श्रेणी रखी गई है वो 12 से 16 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ अगर इस तरह का घनौना कृत किया जाता है, और जिसमें कि पहले जैसा मैंने बताया 7 से 10 साल की सजा होती थी, वहां पे सिमिलरली 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, और गैंग रेप में टू द एक्सटेंट ऑफ डेथ पेनल्टी भी किया जा सकता है। अच्छा। 16 से 18 साल के जो बालिका है उसके साथ यदि इस तरीके का कोई घनौना अपराध किया जाता है तो 10 साल मिनिमम और इवन टू द एक्सटेंड लाइफ सेंटेंस किया जा सकता है, और ये अपराध के जो कितना घिनौना है, किस तरीके से हुआ है, उस पर निर्भर करता है कि लाइफ सेंटेंस भी किया जाता है। तो ये श्रेणी पहले नहीं होती थी हमारे कानून में, ये इस 2018 के नए कानून के तहत बनाई गई है। तो ये CRPC में जो ये IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इन सब, क्योंकि इन्हीं तीनों से ही मिलके किसी निर्णय पे पहुंचना होता है। अच्छा। देखिए, प्रोसीजर डिफाइंड है CRPC में। हाँ। IPC में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, एविडेंस एक्ट जो है वो बताता है कि किस प्रकार से एविडेंस में ये चीजों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये तीनों मूलभूत प्लेटफॉर्म है, इन तीन एक्ट के ऊपर ही क्रिमिनल लॉ पूरा चलता है जी। उन तीनों में अमेंडमेंट किया गया है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले या ऐसी सोच वाले लोग हैं उनके अंदर खौफ पैदा हो, डर पैदा हो कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको इस तरह की सजाएं मिलेंगी, और दूसरी तरफ हमारे समाज की जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो बेखौफ हो सकें, उनके अंदर का डर निकल सके, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब हर किसी के घर में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और अगर उन्हें हम खुद जब महसूस करते हैं कि अगर उनको कहीं जाने में डर लगता है, किसी जगह से गुजरने में डर लगता है, किसी वक्त खास में कहीं और उनके काम के लिए जाना है, तो उसमें अगर उनको डर लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। तो एक गीत है, सोना महापात्रा ने गाया है इसको, बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत भावपूर्ण है, उस गीत को हम श्रोताओं के साथ भी शेयर करते हैं, साझा करते हैं, फिर लौट कर आते हैं, इस बातचीत को बढ़ाते हैं। गीत में कुछ संवेदनाएं ऐसी हैं जो हमारे दिल को बहुत छूती हैं, आइए सुनते हैं। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, पूछ नहीं मैं किसी के सर का नाम, मझधार में नैया
पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, घर आऊंगी, जिसकी फितरत में है रत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन के मुझको श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जो बलात्कार या महिलाओं के साथ जुड़े जो अपराध हैं, उस आपराधिक कानून में जो संशोधन किए गए इसी वर्ष, जिसे धरातल पर लाया गया कानून के रूप में, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत संजय के चड्ढा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली में वरिष्ठ वकील के रूप में कार्यरत हैं और बहुत सक्रिय हैं अदालत में भी और अदालत के बाहर भी, तो इस रूप में उनसे बात करके, क्योंकि एक संवेदना होती है हर इंसान में संजय, और चूंकि उस संवेदना से ये जाहिर होता है कि हम समाज के जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, हम कितना उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन में या अपने पेशे में कितने भी बड़े हों, लेकिन अगर वो संवेदना नहीं है, मुझे लगता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अधूरा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, और यही फर्क है, मेरा मानना है कि एक पढ़े लिखे और जी बेकार मतलब निरर्थक जो क्षेत्र या काम है जो, क्योंकि सार्थकता तो जीवन की इसी में है कि हम अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने हुनर से समाज को क्या दे पाते हैं। खैर, ये जो आपने बातें बताई हैं, इसमें जो बदलाव किए गए हैं, इसमें जो तीनों कैटेगरीज जिसके बारे में तीन श्रेणियां बनी, हाँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, वो है कि ये जो इस तरह के क्राइम हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही उनका निर्धारण होगा। और ये निर्धारण, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सालों साल केसेस पेंडिंग रहते हैं, यहाँ पे एक म्याद दे दी गई है कि 2 महीने के अंदर केस को डिस्पोजल करना है, और अपील अगर फाइल होती है तो वो अपील का भी निर्धारण विदिन 6 माह के अंदर होना है। जिस कोर्ट में अपील की गई है वहां भी 6 महीने से ज्यादा नहीं, हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, और देखिए, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित विषय है, और ऐसा देखा जाता है क्योंकि ये बच्ची का बयान भी होगा और किस परिप्रेक्ष्य में रहा, महिलाएं इसमें संबंधित हैं, तो इस फर्स्ट स्ट्रोक जो कोर्ट है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की जो जज हैं वो महिला होंगी। अच्छा, पहली बात, हाँ। दूसरी बात, जो भी पुलिस का अधिकारी
जो बयान ले रहा है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या वो नीचे के स्तर का कोई अधिकारी हो, उसका भी बयान लेने से लेके संपूर्ण परिस्थितियों में वो भी एक महिला अधिकारी ही होगी। तो देखिए कितना इसको, जिससे कि जो बच्चा जो इस बेचारा पहले से कष्ट में है उसको और कष्ट ना आए। दरअसल एक मानसिक एक ट्रॉमा जो होता है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती कि वो सामान्य रूप से हर किसी से बात नहीं कर सकती बालिका, तो ऐसे में उसको फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जिससे वो बात कर रही है, जिससे अपनी तकलीफ बता रही है, वो सही व्यक्ति है, बताने लायक है, क्योंकि हर किसी से वो इस तरह से शेयर नहीं कर सकती। और एक महिला होने के कारण ये होता है कि उसको बहुत अपनत्व का भाव आ जाता है और वो बड़े आसानी से सही बात और सत्यता को प्रकट कर पाती है। हाँ देखिए, ये बहुत ज़रूरी था इस बात को सुनिश्चित करना, क्योंकि हमेशा ये बात सुनने में आती थी कि किसी के साथ अपराध हुआ है इस तरह का, लेकिन उसके बाद जो पड़ाव आते हैं न्याय तक पहुँचने में और न्याय हासिल करने में, उसमें सबसे पहला तो ये कि पुलिस के पास जाना, वहाँ FIR दर्ज होना, उसके बाद उसकी जाँच पड़ताल होना, मेडिकल टेस्ट होना, ये सारी चीज़ें और पूरे जो बयान दर्ज किए जाते हैं, तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी होती थी और ये सारा इतना जटिल होता था कि उलझ के रह जाता था। देखिए वो सब उलझाहट और वो जो जितना भी ये चीजें थी उनको दरकिनार कर दिया गया है आज। हाँ। आज क्योंकि महिला हर क्षेत्र में है, इवन जो डॉक्टर यहाँ पे एग्जामिन करेगा हाँ। वो भी महिला होगी, डॉक्टर की जो रिपोर्ट बनेगी और जिस तरह के भी डॉक्यूमेंटेशन होगा सब में महिलाएं ही रहेंगी, जिससे कि जो बच्ची जिसके साथ ये कृत हुआ है वो कम से कम अब पुनः इन तरह की चीजों से उसको कोई दबाव ना हो उसके मन में और वो खुलेपन से अपनी बात को एक महिला को बताने में ज्यादा मेरे को लगता है कि उसको उतनी कष्ट नहीं होगा, सहज होगा थोड़ा सा सहज उसके लिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी जो अंश हमने श्रोताओं को सुनवाया था उसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अदालत ने सिर्फ 2 महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग से रेप के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी तरह का एक और मामला मध्य प्रदेश के कटनी का है, वहाँ सिर्फ 5 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा दी गई। फिर राजस्थान में भी अदालतों ने बहुत सारे त्वरित निर्णय लिए, तो बहुत ही अलवर का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है जिसमें 25 दिन में विदेश की एक महिला के साथ कृत हुआ था, तो उसका उन्होंने निर्णय दिया था। क्योंकि तो, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है समय जो है। एक चीज हमको बहुत ही हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह के निर्णयों का प्रचार प्रसार भी बहुत होना चाहिए। हाँ। क्योंकि लॉ बन जाना अपने आप में एक बात बहुत अवश्य है, लेकिन वो लॉ जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति को पता हो कि उसके अधिकार क्या हैं, हर व्यक्ति को इस चीज की जानकारी हो कि अगर इस तरीके का कोई कृत होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या किस तरीके से जो है उसको अगर ये किसी इस तरह के उसमें कृत में लिप्त होगा हाँ। तो वो किस तरीके की परेशानी हो जाएगी और ताउम्र वो जेल में रहेगा, तो एक भय जरूर बनेगा मन में। और उसमें चूंकि लोगों को बहुत बार ये लगता है कानून को लेकर कि ठीक है अगर कोई अपराध किया है केस चलता रहेगा न्यायालय में, सालों साल निकल जाते हैं, तो ठीक है समय निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे समय का टाइम बना देना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जी अच्छा एक चीज बताएं कि इसमें जो मुआवजे या कंपनसेशन इनको लेकर भी कुछ प्रावधान किए गए। देखिए क्रिमिनल एक्ट में तो ये नहीं हो सकता है हाँ। लेकिन उसके लिए एक और प्रक्रिया है जिसके थ्रू निश्चित तौर पे मुआवजा इत्यादि भी मिल जाता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा इसमें जो एक चूंकि आपराधिक कृत्यों में बहुत बार ये होते हैं कि आपने अपराध किया, पकड़े गए आपने, या आपने अग्रिम जमानत ले ली पकड़े जाने से पहले, तो इसको लेकर इसमें क्या प्रावधान किया गया? देखिए ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण चीज उठाई है। अग्रिम जमानत क्या होती है कि अभी आपको अरेस्ट करने से पहले ही हाँ। आपको जो है जमानत दे दी जाती है थोड़े से किसी कंडीशंस को लगा के, लेकिन अगर इन दफाओं के अंतर्गत केस है तो अग्रिम जमानत का प्रोविजन हटा दिया गया है। अच्छा, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा? नहीं, एक्सेप्शनल टू एक्सेप्शनल केसेस में हाँ। अगर कोई एप्लीकेशन है जहां पे प्राइमा फेसी ये प्रूव हो रहा है कि मैं तो वहां पे हूं ही नहीं, या किसी भी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति जो कि बहुत ये इंकित कर रही है कि इस तरह का कृत नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि कोई झूठ भी पर भी हो सकता है कि कोई इस तरह की एप्लीकेशन लगे या कुछ हो, तो उसमें भी लेकिन ये दिया गया है कि जो सरकारी वकील हैं और जो अदर साइड है उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा जो कि उसका अवलोकन कर लें और अपने पक्ष को अच्छी तरीके से पेश करें, अन्यथा पूरे एक्ट में जो नए प्रोविजन है CRPC के प्रोविजन को अमेंड करके एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन इन पर्टिकुलर सेक्शन से हटा दिया गया।
अच्छा अच्छा जो सीआरपीसी की जो 1973 की धाराएं हैं कुछ उसमें बलात्कार जैसे अपराधों को छोड़कर और बहुत सारे जो रिलेटेड इस तरह से इससे जुड़े हुए भी अपराध हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर उन पर मुकदमा चलाना है या एफआईआर दर्ज करनी है तो उसको पूर्व मंजूरी लेनी होती थी विभाग से, लेकिन इस प्रावधान में कुछ इसमें किसी भी तरीके की कोई मंजूरी इत्यादि का एज सच कोई वो नहीं है। बल्कि एक बहुत ही विशेष चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह के किसी कृत में सरकारी मुलाजिम या कोई पुलिस का अधिकारी इन्वॉल्व है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा, ऐसा प्रावधान किया गया। संजय, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिवर्तन की भी बात हो रही थी कि कुछ चीजों में उसमें भी परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किए गए हैं, तो उसमें साक्ष्यों में कई बार मामलों में सुनने में आता है कि जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है या जो अपराधी सिद्ध किए जाने हैं इन कृत्यों को जिन्होंने किया हो ऐसी ऐसा आक्षेप उनके ऊपर लगा होता है, वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो लड़की है जो महिला है उसका चरित्र इस तरह का है या वो उसकी सहमति से ये चीजें हुई हैं, इस तरह के कई सारे अपने बचाव के लिए वो तर्क कुतर्क जो भी वो देते हैं। खास तौर पे यही मैं बात बताना चाहता हूँ, यही एक इस नए कानून की विशेषता है कि इस तरह की किसी भी चीज को कोई मायना नहीं दिया जाएगा। 12 से 16 साल की एक एजम्पशन लेके चलेंगे इस कानून में कि बच्चे का दिमाग ही इतना विकसित नहीं है कि आप 16 साल की स्थिति तक वो जो 12 से 16 चीजों का कोई आक्षेप लगा भी सके लगा सके ऐसी इसकी एक प्रज्यूम किया जाएगा कि ऐसा कोई नहीं माना जाएगा। 12 साल से कम की बच्चे का अगर रेप हो रहा है और इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तो ये कानून के अंदर निहित है के इस तरह का आरोप उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा नए कानून। जी जी, अच्छा एक चीज आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये सिर्फ घटनाएं दुर्घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं, लगातार होती है तो बहुत तकलीफ होती है कि आखिर ये हमारे आसपास ये चीज कैसी चीजें घटित हो रही है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि बहुत बार तुरंत जाने की इच्छा नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता या सामाजिक कुछ ऐसा परिवेश होता है उन चीजों की वजह से, हाँ तो समय लगता है कि इस बात को पुलिस तक लेके जाए या एफआईआर दर्ज करवाए। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि समय जितनी जल्दी हो सके या इसका फायदा नुकसान कुछ? बिल्कुल, देखिए ये जब ऐसा कोई कृत होता है या इस तरह की कोई घटना होती है तो यथाशीघ्र जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेडिकल एविडेंस बहुत ही अहम है, खास तौर से रेप के केसेस में। मेडिकल अगर ये दर्शा देता है कि इस तरह का कृत्य हुआ है तो इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पे सजा दिलाने के लिए अभियुक्त को ये बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल हो जाए। देखिए ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि अगर आपको एफआईआर और इन तमाम चीजों में देर होगी तो आपके जो एविडेंसेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे, उनको मिटाने दिया जाएगा। जिस जगह पे कृत हुआ है वो जगह पे क्या क्या चीजें उपलब्ध थी वो सब बदल दी जा सकती है, और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जैसे ही स्थिति ऐसी कोई बनती है जहां पे इस तरह की कोई दुर्घटना या घटना होती है तो उसको फौरन बिना किसी देरी से पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। और खासतौर से मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इस तरह के केसेस में आजकल पूरे भारत में कई एनजीओज भी हैं जो आपकी मदद के लिए आ जाती हैं, तो वो भी एक वहाँ पे भी महिलाएं बहुल्य में हैं, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी जो कि उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हैं दुर्घटना या घटना के बाद, और उनकी काउंसलिंग भी करती हैं ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आ सके, क्योंकि अब जीवन तो समाप्त नहीं हो जाएगा, जीवन तो आगे बहुत बड़ा और बहुत घिनौना काम हुआ है, बहुत बड़ा मनोस्थिति, साल भी लग सकता है बच्चे को उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, लेकिन जीवन तो जीना है तो उसके लिए वो उनकी भी मदद ली जा सकती है ऐसी। और इन संस्थाओं को सरकार बड़ी मात्रा में सहायताएं दे रही है जिससे कि वो और आगे आए। देखिए आपने कहा कि जीवन समाप्त नहीं होता और मुझे लगता है कि ये जो कलंक है, ट्रॉमा है, ये तो समाज के ऊपर आना चाहिए। व्यक्ति तो उससे प्रभावित हुआ है, उसका सफर है या उसकी वजह से उस शिकंजे में आ गया है,
लेकिन उसको अपने जीने का जो हौसला है कहीं कम नहीं होने देना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। नीरजा फिल्म का एक गीत याद आता है संजय की, कहता है दिल खुद से निकल जीते हैं चल। तो जीने को या जीवन को तो हमेशा एक जो सुप्रीम जगह है, सर्वोच्च स्थान है, वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जीवन है तो बाकी सब चीजें हैं। आप लड़ सकते हैं, आप दूसरों के लिए रास्ता निकाल सकते हैं। आपने जिस तरह निर्भया की बात की थी, निर्भया जो केस हुआ उसके बाद देश में जिस तरह के आंदोलन हुए, जो उबाल आया, ये सब उसी का तो नतीजा है, जो ये कानून, जो अधिनियम, ये सब नई चीजें, जागृति आई है लोगों के अंदर। और यही जागृति, जैसा अभी हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे, मैंने कहा कि इस कानून के बन जाने से ही नहीं होगा, इसको हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के दिमाग में डालना है। हमारा कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य के साथ है। इसी उद्देश्य के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ये गीत सुनते हैं, जीते हैं चल। खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे, उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है, पानियों को रस्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। कार्यक्रम में श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में संजय के चड्ढा, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपराधिक कानून जो संशोधन हुआ है उसमें बलात्कार से या औरतों के साथ, महिलाओं के साथ जुड़े अपराध जो होते हैं उनको लेकर,
जो प्रावधान बदले गए हैं, उन प्रावधानों को जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं मन की बात में इस बात का जिक्र किया था और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनको विस्तार से जितना संभव हो जाने ताकि आपका हक क्या है आपको पता चले। एक बलात्कार के मामले हैं जिनके बारे में आपने चर्चाएं की, लेकिन चूंकि महिलाओं के साथ स्त्रियों के साथ बहुत तरह के अपराध होते हैं और बहुत तरह के कृत्य ऐसे हैं जो कि होने नहीं चाहिए, तो और तरह के इस तरह के यौन शोषण हैं परिवार में उनके साथ जो जातियां होती हैं या कार्यस्थल पर छेड़छाड़ या सार्वजनिक स्थलों पर, ये सब चीज़ें भी कहीं इसमें शामिल की गई हैं? नए कानून में तो नहीं है, लेकिन उन पर इनसे बात करने बात हम करनी चाहिए हमें, बहुत ही अहम है। देखिए क्या है कि ये जान के कई बार कष्ट होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ऐसा होता है और महिलाएं शांत रहती हैं, वो इसके विरोध में ना कोई शिकायत करती हैं। जैसे कि घर का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप ले लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिसका कितनी अच्छी नीयत के साथ बनाया गया, यहाँ तक कि जैसा कि ये है कि कोई फिजिकल असॉल्ट है वो तो है ही है, आर्थिक असॉल्ट यानी कि अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर आर्थिक तौर पे महिला स्ट्रांग नहीं होगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगी, बहुत कष्ट में रहेंगी। तो इसीलिए वहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसका एम्बिट बहुत बड़ा है, घर से नहीं निकाल सकते, घर पे उनका रहने का अधिकार है। तो कई सारे पहलू हैं उनके ऊपर तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है वो और एक बहुत बड़ा अहम कानून बना है जिस कानून ने बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया। इसके अलावा कई जैसे कि जो जेएस 2013 में जो अमेंडमेंट आया था उससे सेक्शन 354A, B, C, D ये ऐड हुए हैं वहाँ पे। जैसे अब देखिए पहले कानून नहीं होता था, एसिड अटैक होता था जी, उसके ऊपर कोई कानून ही नहीं था, महिलाओं के ऊपर एक पागल व्यक्ति ऐसा कर देता तो उसको भी एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया। ऐसे कई लिंचिंग के ऊपर महिलाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको छेड़खानी कर रहे हैं, इस पे एक ऑफेंस बनाया गया। तो आईपीसी के अंदर ये नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं अभी कुछ पिछले ही, मेरा मानना है कि एक दशक में ही ये सारा काम हुआ। तो वो सारी चीजें इसमें भले शामिल नहीं है लेकिन उस तरह के कानून उपलब्ध हैं और उसका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी महिलाओं में बहुत जागृति आई निश्चित और इन कानूनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। दरअसल एक मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि 2010 के बाद महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनकी संख्या, उनकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। देखिए रिपोर्टिंग तभी तो बढ़ी है क्योंकि महिला जागृत हुई, उसने कहा कि अब मैं इस दमन को नहीं सह सकती और वो गई पुलिस में। आपको एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसा अब हम ही कार्यक्रम के बीच में बात कर रहे थे कि एक महिला बड़े सहज रूप से दूसरी महिला से बात कर सकती है, तो इसलिए महिला सेल बने हैं थानों में हमारे दिल्ली में, खास तौर से हम दिल्ली से बोल रहे हैं तो वहां का उस परिप्रेक्ष्य में, बाकी सब जगहों पे महिलाओं महिला सेलों की बनाया जा रहा थाने में जहां पे कि महिला ही अधिकारी हैं और अगर महिलाएं वहां जाके शिकायत करती हैं तो वो बड़े विनम्र तरीके से और सहज तरीके से उनसे बात हो सकती है। देखिए हरियाणा देश का मुझे लगता है पहला ऐसा राज्य होगा जहां के हर जिले में एक महिला थाना है और वहां के जो भी कर्मी हैं वो चाहे थाने के इंचार्ज हों या वहां के पुलिस कर्मी हैं सबके सब महिलाएं हैं। तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत वहां पर हुई, इससे और बहुत तरह के फायदे भी हुए क्योंकि महिलाएं होती हैं तो एक अपने आप अनुशासन रहता है आसपास और उस अनुशासन, क्योंकि एक संस्कार है हम लोगों का कि भाई महिला कोई है तो हम उसके आगे किस तरह से पेश आए, तो एक स्वाभाविक सा उसका लाभ मिलता है। लेकिन इस मामलों में जहां महिलाओं के साथ अपराध होता है उनमें तो निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ है इस रूप में कि कम से कम महिलाएं बेझिझक शिकायत करता महिला अगर किसी नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाती है तो वो सहमी सी रहती है। नहीं वो तो वो महिला की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति इवन पुरुष भी सहमा सा रहता, क्योंकि थोड़ा सा सोच और इम्प्रेशन इस तरह का होता है। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर एक महिला शिकायत करने जा रही है और वहां पे सारे अधिकारी महिलाएं हैं तो महिला के अंदर एक दूसरा ही जोश होता है निश्चित रूप से। एक चूंकि हम बात कर रहे थे कि 2010 के बाद बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है, बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट आ रही हैं तो इसलिए लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें घट रही हैं। लेकिन एक आवश्यकता जो इस बात की है और मुझे लगता है कि इधर ही हाल में ही हमने कुछ चर्चा भी सुनी है कि जो इसका एक डाटाबेस, ऐसे अपराधियों का एक डाटाबेस बनाना ज़रूरी है ताकि वो अगर बार बार कोई अपराध करता है तो उस पर कुछ और अंकुश लगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई,
मैं आपको बताऊं, खास तौर से जो रेप के जो केसेस जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि 12 साल से कम की बच्चियां या 12 से 16 साल की बच्चियों का, तो वहां पे सख्त सजा का प्रावधान है, टू द एक्सटेंट डेथ पेनल्टी का भी है। तो वहां का कोई अभियुक्त अगर इस तरह का डाटा बैंक होगा, जैसा कि हमारे को जब इस एक्ट के ऊपर डिबेट चल रही थी तब भी ये कहा गया कि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, वहां पे इन अभियुक्तों का डाटा रखा जाना चाहिए। तो उसका उद्देश्य यही था कि अगर वो वाला अभियुक्त को रिपीट करता है, कोई पुनः इस तरह का कृत करता है, तो उसको एक सख्त सजा मिले। ये डाटा हमें बहुत लाभप्रद रहेगा उस चीज को देख के। अगर तो उस समय उसमें किस तरह के डाटा या क्या कुछ खास थोड़ा देखिए, उस व्यक्ति की सारी जानकारी, उसके नाम, पिता का नाम, उसके आधार नंबर अब तो बन गया है, और इसके अलावा खाली हाथ के और आंखों के जो लिए जाते हैं उनको रखा जाएगा, जिससे कि अगर वो रिपीट कर रहा है तो इमिडिएटली कि इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे ऑफेंस। तो ये जो है वो राज्य पुलिस है, जो भी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों की पुलिस है, उनके लिए भी एक्सेस रहेगा इसका। और बिल्कुल, वो हाँ, क्योंकि लोग अपराध करके भाग जाते हैं तो क्या होता है कि अगर किसी ने महाराष्ट्र में अपराध किया, वो वहां से बंबई से उठ के अब दिल्ली में रहने लग गया और दिल्ली में भी उसी तरह का कृत किया, तो जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उस व्यक्ति का पुनः से पहुंचेगा कि ये इस एक्स व्यक्ति ने काम किया है, तो वो मैच हो जाएगा फौरन की इसने तो महाराष्ट्र में भी किया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो कई केस सुलझ जाएंगे, दो केस सुलझ गए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरे केस में ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाएगा कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो कभी कहीं करता है, कभी कहीं करता है इस तरह का काम, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा मिलने में तो बहुत प्रोसिक्यूशन को मदद मिलेगा। अदालत इसको संज्ञान में ले सकता है, 100% संज्ञान में लेता ही है जी। आपको मैं एक तो बताते हुए, जब भी जैसे कोई बेल की अब एप्लीकेशन, किसी मैं अन्य साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ, किसी भी क्राइम में लगाते हैं तो हम वहां लिखते हैं, उसमें एक वकील लिखता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ और कोई केस पेंडिंग नहीं है, कहीं पे भी इसके पुराना जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो बताएगा कि बहुत अच्छा है और प्रोसिक्यूशन दिखाता कि देखिए साहब इसके तो ये दो केस पहले से चल रहे हैं, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। इरा में भी आज जब हम बैठे हुए हैं जहां पे कंप्यूटराइज चीजें हैं जी, तो ये कोई इतना कठिन भी काम नहीं है और बहुत सहायक भी रहेगा मेरे को लगता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। निश्चित रूप से, और इससे अंकुश लगेगा, एक डर भी पैदा होगा कि अगर आप एक देश के डिटरेंट, तो डिटरेंट क्रिमिनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सजा क्यों दी जाती है, जिससे कि जो सोसाइटी है पीछे वो देखे कि अरे भाई अगर मैंने ये काम किया तो ये हश्र होगा, 14 साल जेल में रहना पड़ेगा, और अगर मैंने इतना हीनियस क्राइम कर दिया तो हो सकता है मुझे फांसी पे लटकना पड़ जाए, तो लोग भयभीत हो जाएं, डर जाएं, डिटरेंट क्रिएट हो जाए सोसाइटी में, यही एक उद्देश्य है जी, सजा जी, देने का। निश्चित रूप से, और ये उद्देश्य महिलाओं के अंदर, समाज के अंदर एक भरोसा पैदा करता है, वो एक ताकत देता है। बिल्कुल, और एक मुझे लगता है कि महिलाओं में एक नई चेतना आई है इसके बाद, भय जो उनके मन में रहता था वो धीमे धीमे हट रहा है ऐसा लगता है। देखिए, जिस तरह से आवाजें उठती हैं, उठने लगी हैं, उससे ये बात बिल्कुल आपकी सही साबित होती है, और ये एक बहुत अच्छा लक्षण है, और ये इसका श्रेय हमारे समाज की महिलाओं को, लड़कियों को जाता है मुझे लगता है। और मैंने देखा है संजय की, जब इस तरह के कहीं भी हादसे हुए हैं, समाज की हमारे लड़कियाँ जो हैं, युवा लड़कियाँ, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर कर इस बात को लेकर आंदोलन करती हैं कि इस समाज में इस तरह की हरकत अगर हो रही है तो हम सबके लिए बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है। तो ये जिद हमारी युवा पीढ़ी की, और खास तौर पर हमारी लड़कियों की ये जिद कि हम समाज को बदलना है, क्योंकि उन्हें अपना जीवन जीना है। बिल्कुल, और अगर इस तरह के माहौल में वो रहेंगे तो अपना कैसे जीवन सही ढंग से सही दिशा में लेकर जाएंगे। तो और उनको भी एक पुरुष की तरह सारे अधिकार प्राप्त, निश्चित रूप से। तो एक मैरीकॉम फिल्म का गीत, जब जिद की बात आ रही थी तो मुझे याद आया कि मैरीकॉम फिल्म में भी, चूंकि मैरीकॉम की एक जिद थी, एक अलग उद्देश्य था उसका, यहाँ एक अलग उद्देश्य की जिद की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है कि आज की महिला, आज की लड़की अपने उद्देश्य को पाने के लिए एक जिद है उसके अंदर, वो चाहे अपनी सुरक्षा को लेकर है, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर है, अपने सम्मान को लेकर है, या अपने पेशे को लेकर है। तो ये गीत मेरा मन है कि मैं सुनवाऊं श्रोताओं को, और हम भी सुनते हैं। मैं भी वेट कर रहा हूं इस गीत का। आइए सुनते हैं।
श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज बातचीत का जो मुद्दा है हमारे समाज की महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा, उनके प्रतिष्ठा, उनके सम्मान की रक्षा को लेकर है, जिसके लिए आपराधिक कानून संशोधन जो है 2018 का, वो अधिनियम के कानून के रूप में देश को समर्पित किया गया सरकार द्वारा। उसके बारे में तमाम जो प्रावधान किए गए हैं, जो परिवर्तन किए गए हैं, उनके बारे में आपने सुना। संजय के चड्ढा जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सर्वोच्च न्यायालय में। उसके साथ साथ संजय, एक बात तो और भी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जुड़ते हैं जो महिलाओं की प्रतिष्ठा से, सम्मान से, सुरक्षा से भी जुड़ते हैं। उसमें कई एंगल हैं, कई आयाम हैं, उसके अलग अलग डायमेंशन हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक और चर्चा की ट्रिपल तलाक बिल के बारे में, जो तीन तलाक बिल है उसके बारे में भी जिक्र किया था, संक्षेप में है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए है और आज मैं इसलिए आपसे बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि सरकार ने हाल ही में अध्यादेश इसको लेकर जारी किया है। अब ये भी जानना जरूरी है इन चीजों को कि ये अध्यादेश में क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, चूंकि मौका है महिलाओं की
जो रक्षा सुरक्षा को लेकर, सम्मान को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, तो एक वो अंश हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं पहले प्रधानमंत्री जी के मन की बात का, और उसी के इर्द गिर्द थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे ताकि हमें भी इसके बारे में कुछ जानकारी बढ़े। देश में, समाज में किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय या किसी भी क्षेत्र की महिला है, उसका सम्मान और उसकी गरिमा जो है और उसकी सुरक्षा हर रूप में होनी चाहिए, उसको संरक्षण मिलना ही चाहिए हर रूप में। तो वो अंश सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल को पारित कर दिया गया, हालांकि राज्यसभा के इस सत्र में संभव नहीं हो पाया है। मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब हम देश हित में आगे बढ़ते हैं तो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। तो ये मन की बात, संजय, जब अध्यादेश तो अभी जारी हुआ है, ये मन की बात जब प्रधानमंत्री जी ने की थी अपने पिछले मन की बात में, उसमें जिसमें जिक्र किया इन्होंने लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल के बारे में, चूंकि अभी भी वो लंबी थे राज्यसभा में, तो इसलिए संसद से तो पारित नहीं हो पाया है, लेकिन अध्यादेश के रूप में ऑर्डिनेंस आ गया है। अब ये लॉ है, आज भारत के लॉ ऑफ द लैंड है ये। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जो है जिस्ट, वो ये है कि अब अगर इस तरह की कोई ट्रिपल तलाक या तीन तलाक देता है तो उसमें व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा अगर शिकायत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पहले नहीं होता था। अच्छा, इसी प्रकार से कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे महिला सशक्तिकरण किया गया है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको तीन तलाक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, वो सब नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी विडंबना लगती है ना, कि देखिए कोई व्हाट्सएप पे भेज दे तीन तलाक लिख के, तो वो सब चीजें, वो चीजें फोन पे कह दे, अब ये संभव नहीं है। ये चीजें अब समाप्त हो गई हैं। हाँ। वो इरा अब चला गया है नए कानून के तहत, क्योंकि हम लोग कानून के राज में रह रहे हैं, किसी जंगल राज में नहीं रह रहे हैं। देखिए इस पूरे कानून का जिस्ट ये है कि इस कानून से महिलाओं को बहुत शक्ति दी गई है, यहाँ तक कि जो अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को किस प्रकार से आगे की, जिसे कहते हैं कि मुआवजा या जो पैसा मिलना चाहिए मेंटेनेंस, उसका प्रोविजन भी इसमें किया गया। तो इसमें न्यायालय जो है वो डिसाइड करेगा कि इमीडिएटली मुआवजा देना है उसका। बिल्कुल, डिपेंड करता है किस तरह की अर्निंग है जो हस्बैंड है, आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है उसकी, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि बड़ी भी हो सकती है, तो उसी आधार पर उनको किस स्तर पे वो रहते हैं, वो सब चीजों को ध्यान में रख के। इसमें जो बच्चों की कस्टडी को लेकर वो क्या प्रावधान किए, बच्चों की कस्टडी में अगर इस तरह का होता है और वो व्यक्ति जेल चला जाता है तो वो माँ के साथ रहेगी बच्चों की कस्टडी, नंबर वन। नंबर टू, इसमें महिला को ये भी एक बड़ा अच्छा जो बात है जिसको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरह का नहीं बनना चाहिए, एक पक्ष है जो इस कानून का विरोध भी करता है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ अगर महिला चाहें तो महिला की ओर से समझौते की बात भी की जा सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। अगर पुरुष को मेरा ख्याल करना भी है तो महिला को पहले मनाना पड़ेगा। और महिला को तो देखिए ना, इससे क्या होगा, महिला को इम्पोर्टेंस मिली, महिला को सशक्तिकरण मिला, महिला को एक मजबूती दी गई कि नहीं आप निर्णय लेंगी। और कहां वो समय था जब सिर्फ तीन बार तलाक 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 कह देने पे आपका जो कितनी पुराना रिलेशनशिप, बच्चे इत्यादि सब कुछ जीरो, एकदम समाप्त, वो शादी का जो रिश्ता है वो समाप्त हो गया। जबकि ऐसा धर्म में भी नहीं है, आपको जान के, आप जानते ही हैं इस बात को कि पाकिस्तान जैसे देश में इसका प्रोविजन नहीं है। जी, कम से कम 22-23 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम बहुल देश हैं जहाँ पे की हर चीज यहाँ बैन है, शरिया जहाँ पे लागू है वहां पे ये नहीं है, तो इसको यहाँ पे लागू होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने जैसे बताया लॉ डायनेमिक है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक रिडंडेंट बात है। पढ़ी लिखे समाज तरक्की की ओर जा रहा है, पढ़ाई कर रही हैं महिलाएं, महिलाएं हर चीज में आगे हैं, तो ये एक छोटी सी चीज क्यों रुके। दरअसल ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि ये सारी लड़ाई जो है महिलाओं ने लड़ी है जो भुक्त भोगी हैं, और कई सालों तक उनकी लड़ाई और उनका संघर्ष चलता रहा है। कई बार ये कोशिश हुई, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस बात की घोषणा की थी कि ये गैर कानूनी है ट्रिपल तलाक। देखिए एक बात, ये किस वजह से ये कानून बना है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया और उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक कारण है मुस्लिम महिलाओं का, ये एक वन ऑफ द रीजन है जो मुस्लिम महिलाओं को
पनपने नहीं दे रहा या उनकी ग्रोथ में एक डिटरेंट है, तो उसके ऊपर सरकार ने कानून बनाया है। जी जी, चूंकि कानून का राज है इस देश में, तो कानून के अनुरूप जो है वो चीजें लागू होंगी। इसमें जो बेल को लेकर भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो थोड़े से सख्त हों? देखिए, बेल को लेकर निश्चित तौर पर कानून में तो ये प्रोविजन है कि कुछ पहलुओं को देखकर ही बेल दी जाएगी, क्योंकि अरेस्ट इमीडिएट, लेकिन प्रोविजन है, बेल की एप्लीकेशन लग सकती है, इवन एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन है इसमें। लेकिन इसके लिए नोटिस मेरा ख्याल है भेजा जाएगा दूसरी साइड को, नोटिस तो उसके बाद नोटिस के बाद ही होगी। हाँ। और दूसरे पक्ष को पूरा सुना जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय होगा बेल, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत में कई बार मेरा ख्याल है कई बार प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। हाँ। सुना नहीं दिया जाता है। हाँ। लेकिन यह है कि प्रोटेक्शन देने के बाद दूसरे पक्ष को सुना जाता है, यहाँ पे इमीडिएटली उनको नोटिस किया जाएगा और उनको बुला के सुना जाएगा। तो इस मामले में भी उनकी उस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रखी गई है? बिल्कुल, और महत्ता दी गई है। हाँ। महत्ता दी गई है, विक्टिम को महत्ता दी गई है, उसके पक्ष को संपूर्ण रूप से सुना जाएगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। दरअसल ये उन महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई का एक बहुत अच्छा परिणाम जो इस रूप में निकला है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के हिसाब से सरकार ने इस चीज़ को, अध्यादेश को जारी किया, और भविष्य में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा मुझे लगता है हमारे समाज की, इन महिलाओं के जीवन में। ये उनका हक था बिल्कुल जो उनको मिला है। तो मैं ये गीत तो श्रोताओं को यही सुनवाऊंगा, साडा हक रॉक स्टार फिल्म का गीत है। देखिए, कहीं भी हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तमाम अलग अलग जगहों पर जहाँ संघर्ष होते हैं तो लोग यही कहते हैं कि साडा हक एथे रख। लेकिन उसके पहले मैं आपका आभार जरूर व्यक्त करूंगा संजय, कि आप इस कार्यक्रम में आए और तमाम व्यस्तताओं के बीच भी आपने इन तमाम बहुत जरूरी मुद्दों पर चर्चा की है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है हमारी समाज में जागरूकता के लिए भी। और चूंकि हमें ये बहाना मिला कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसका जिक्र किया, तो उसी के संदर्भ में पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम में हमने आपसे ये बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप सबके लिए भी बहुत सारी मंगल कामनाएं। जानकारियां, सूचनाएं, जो भी बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारी ये इच्छा होती है कि आप उनको और आगे तक उसको विस्तार दें, क्योंकि आप एक जागरूक श्रोता हैं, तो आप इन बातों को लोगों के साथ जरूर चर्चा करेंगे, बांटेंगे, साझा करेंगे, तो इस तरह से समाज में जागरूकता फैलेगी और ये सबसे बड़ी मजबूती इस माध्यम से समाज के हर वर्ग को, हर संप्रदाय को, हर हिस्से को मिलेगी। तो जैनेन्द्र को अनुमति दीजिए और आप ये गीत सुनिए, साडा हक एथे रख। सही
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह और प्रस्तुति सहयोग था चंपा धर्मशक्तु का। पोस्ट बॉक्स नंबर